Hello students, once again welcome to Rajkumar Educational Academy. In this video of chapter number 14, we'll study about mod. We already have studied about mean. Now let us study about mod. Students, you know what is mod as you have studied in your earlier classes. Mod is nothing but the most number of times observation which has been repeated in a class. We'll see for ungrouped data over here first and then for the group data. See here students, what is mod? Mod for ungrouped data. Mod, the observation which is repeated most often in an ungrouped data. जो ज़्यादा बार repeat हुआ है, observation जो एक से ज़्यादा बार repeat हुआ है उसको बोलते हैं mod. Example के तौर पर हमने लिया हुआ है, the wicket taken by a bowler in 10 one day match are as follows. पहली वनडे में उसने चार ली, सेकेंड फाइव, ही टुक सिक्स विकेट्स, ही अगेन टुक थ्री विकेट्स, ही टुक जीरो विकेट्स, ही टुक थ्री, ही टुक टू विकेट्स, ही टुक थ्री विकेट्स एंड ही टुक फाइव विकेट्स. फाइंड द मोड ऑफ द डेटा. यहाँ पे आपको मोड फाइंड करना है. तो सिंपल है, मोड क्या है? मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड. हियर थ्री इज रिपीटेड मोस्ट टाइम्स, दैट इज थ्री टाइम्स. सो थ्री इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा. कई बार ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन भी रिपीट हुए हो, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स. अगर दो ऑब्जर्वेशन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है, इफ़ टू ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, देन दैट बोथ आर द मोड ऑफ द गिवन डेटा. ऐसे मोड को हम बोलेंगे बाई मोड. दैट इज बाई मोड, इफ टू ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, देन बोथ आर मोड्स ऑफ द गिवन डेटा. दोनों मोड है. सपोज यहाँ पे थ्री भी रिपीट हुआ है और फाइव भी थ्री टाइम्स आया है, तो थ्री एंड फाइव बोथ आर मोड. मल्टी मोड, इफ टू और मोर देन टू, दैट इज टू से ज्यादा, थ्री और मोर, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ मल्टी मोड. मल्टी मोड मतलब दो से ज्यादा, एटलीस्ट देर शुड बी थ्री ऑब्जर्वेशन विच आर रिपीटेड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, और मोर देन थ्री ऑब्जर्वेशन विच आर रिपीटेड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, देन दैट ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू दैट आर नोन एज मोड, एंड फॉर दैट विल बी सेइंग it has a multi mode. Students, I hope you understood this. Bi mode, multi mode, these are the repeating concept of 9th standard. Now we'll study mode for group data for 10th standard, which will be useful. We'll study its formula and then we'll move ahead. Mode for group data, yahan pe seedha seedha humko pata nahi chalega ki bhai ye mode hai. Directly hum ke kaun sa repeat hua hai wo hum pata nahi kar payenge. Yahan pe क्लास डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन, मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स, दैट इज मार्क्स 10 टू 25 कितनों को मिला, 5 को, 25 टू 40, 21 को, 40 टू 55 दैट इज 21, 55 टू 70 दैट इज 8, 70 टू 85 दैट इज 25, 85 टू 100 दैट इज 20. यहाँ पे पहले हम मोड का फॉर्मूला जनरेट करेंगे. विल फर्स्ट जनरेट द फॉर्मूला फॉर मोड. बहुत आसान है फॉर्मूला. फॉर्मूला इज वेरी इजी. लेट मी रिपीट द फॉर्मूला फर्स्ट. मोड विच विल बी डिनोटेड एज जेड. मोड को हम जेड से डिनोट करेंगे. जेड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू ब्रैकेट क्लोज इन टू एच. ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ. एल क्या है, एच क्या है, एफ वन क्या है, एफ जीरो क्या है, एफ टू क्या है. लेट अस सी विद द फॉर्मूला एंड आई विल एलोबरेट द फॉर्मूला ओवर देयर. M, that is mod, is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. L क्या है? Lower limit of the model class. जो class है उसका lower limit. Model class है. Model class क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे frequency ज़्यादा आई है, more number of frequencies are there. We'll see one example as we have cited over there. H is size of the class interval. क्या है size? क्लास इंटरवल जो हमने देखा हुआ है 10 टू 25, उसमें एच है वो 15 है. एफ वन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी. एफ जीरो इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, उसके आगे का क्लास. एफ टू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, उसके बाद का, आफ्टर दैट. सो नाउ लेट अस पुट दिस फॉर्मूलाज इन टू कंसिडरेशन. वन सेवन अगेन हैव अ लुक ऑफ द फॉर्मूला. फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, दैट इज फॉर ग्रुप डेटा. आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है. दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन वन मार्क्स.
इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो आपको ये रिमेंबर करना जरूरी है. एल लोअर लिमिट है किसका, तो कि मॉडल क्लास का, इट इज ऑफ द मॉडल क्लास. एच इज द साइज ऑफ द क्लास. एफ वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. एफ जीरो इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास. एंड एफ टू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. नाउ लेट अस सी दिस इन द फॉर्मूला एंड लेट अस सॉल्व दिस सम. क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है. स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या ध्यान देना है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी. आगे कुछ इसमें करना नहीं है, वी डू नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग एल्स. जस्ट हमको क्या करना है, ये दोनों दिया हुआ है, विल मेक अ टेबल ऑफ इट. फ्रीक्वेंसीज मोर कहाँ पे, विच फ्रीक्वेंसी इज मोर, 5 इज मोर, 21 इज मोर, 21 इज मोर, 8 मोर, या 22 इज मोर और 20. यहाँ पे आपको रिपीटिंग नहीं देखना है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आई हुई है. 25 इज मोर, सो 25 इज योर F1, उसके सामने का क्लास दैट इज योर लोअर लिमिट. प्रिसीडिंग दैट, दैट इज F0, एंड सक्सीडिंग दैट, दैट इज F2. मैंने यहाँ पे एलोब्रेट कर लिया, हियर L इज 70, F1 इज 25, F0 इज 8, F2 इज 20 एंड H इज इक्वल टू 50. वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे रख देता हूँ. Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच. पुट द वैल्यू, L है वो 70, F1 इज 25, F0 इज 8 अपॉन 2 इंटू 25 माइनस F0 इज 8, F2 इज 20 इंटू 50. स्टूडेंट्स लेट अस सॉल्व इट आउट. 70 इज एज इट इज, 25 माइनस 8 इज 17, 225 इज 50 माइनस 8 माइनस 20, और मैंने 15 जो है 17 के साथ मल्टीप्लाई में ले लिया है. 17 इंटू 15 आई गोट 255, 50 माइनस 8 माइनस 20, 50 माइनस 8 इज 42, 42 माइनस 20 इज 22. अपॉन में लिख दिया 255 डिवाइडेड बाई 22 किया हुआ, डिवाइड करने के बाद मुझे मिला 11.59. तो 70 प्लस 11.59 विच गिव्स मी 81.59, दैट इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल, प्लीज सी इट वेरी केयरफुली, गो थ्रू दिस सम. हाउ आई हैव डिनोटेड इट आउट, किस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है, वापस एक बार बता देता हूँ. क्लास एंड फ्रीक्वेंसी विल बी एज इट इज, जो आपको दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसी आपको कैसे पता चलेगा, सबसे ज़्यादा जो आया है नंबर कौन सा क्लास इंटरवल में रिपीट हुआ है, तो 25 हैज़ बीन रिपीटेड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज 25 विल बी कंसिडरिंग इट एज F1. उसके ही सामने का क्लास दैट इज लोअर लिमिट इज 70, F0 दैट इज 8 प्रिसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, F2 दैट इज सक्सीडिंग क्लास, एलोब्रेट कर दिया है, फॉर्मूला में वैल्यूज रख दी है. प्लीज बी वेरी केयरफुल वाइल सॉल्विंग आउट. सॉल्व करने के लिए आपको क्यों ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक्स बच्चे कर रहे हैं. प्लीज़ कैलकुलेट इट वेरी वेल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन विल मूव इन द नेक्स्ट क्लास फॉर द मीडियन. विल सी द मीडियन इन द नेक्स्ट क्लास. प्लीज़ गो थ्रू दिस एग्जाम्पल वेरी केयरफुली. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.